जब बलोच कॉलोनी की तरफ जाती है, जिसको हम लोगों ने ये तकरीबन 4-4 फुट पानी नदी के अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए रोड को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। लिहाजा किसी भी हादसे की सूरत से बचने के लिए नदी को हम लोगों ने बंद कर दिया है। तो आप ये देख लोगे कि पानी का कितना बहाव है, और बताया जा रहा है कि पानी पीछे से बहुत ज़्यादा आ रहा है, और किसी भी वक्त ये इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा कि यहाँ खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। लिहाजा जनाब SSP साहब कुरंगी ने हमें इजाफी नफरी दी है, जिसकी वजह से हम ये रोड बंद करने में कामयाब हो गए। शुक्रिया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम, SO कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। बलोच कॉलोनी की तरफ जाती है, जिसको हम लोगों ने ये तकरीबन 4-4 फुट पानी इस नदी के अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए रोड को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। लिहाजा किसी भी हादसे की सूरत से बचने के लिए नदी को हम लोगों ने बंद कर दिया है। तो आप ये देख लोगे कि पानी का कितना बहाव है, और बताया जा रहा है कि पानी पीछे से बहुत ज़्यादा आ रहा है, और किसी भी वक्त ये इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा कि यहाँ खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। लिहाजा जनाब SSP साहब कुरंगी ने हमें इजाफी नफरी दी है, जिसकी वजह से हम ये रोड बंद करने में कामयाब हो गए। शुक्रिया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम, SO कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया।